कोतवाली टीआई अमित भदौरिया ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मंदिर से चोरी की गई पत्थर की 1 करोड़ कीमत की मूर्तियां समेत एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। आज शिवपुरी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली टीआई अमित सिंह भदौरिया की टीम ने गुना से 2 माह पहले चोरी हुई लगभग 1 करोड़ रुपए की मूर्तियों को शिवपुरी से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये कल एक सूचना मिली थी कि गुना से मूर्ति चोरी गई थी, 2 मूर्तियाँ, उनको 2 आदमी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ग्रामीण प्यार था फूल का रिसोर्ट का, उसको दबिश दी गई तो उसको वो पकड़ाया, उसके बाद कबूल किया और उससे जैसे एक विष्णु जी की मूर्ति बरामद की थी। उससे पूछताछ उसने बताया कि उस सर में जो सुन्नाम है वो भी है और वो भी एक मूर्ति और रखे हुए, तो गणेश जी की एक मूर्ति भी उससे बरामद की गई। दोनों मूर्तियाँ जो है थाना जामेर गुना से 8:11 को गई थी और वहाँ पर मोटरसाइकिल से जाके इन्होंने कुछ नींद की गोली खिलाई थी जो बाबा जी थे उनको, और वहाँ से ये मूर्तियाँ उठा के ले आए थे। इनके बारे में जो जानकारी मिली थी हमारे टीआई कोतवाली को मिली थी, अमित भदौरिया को, एसडीओ की साहब वगैरह टीम बनाकर इसे भेजा था, जिसमें हमारे अरविंद छाड़ी, हमारे आबिद खान, अमित लाल और नितेंद्र और टिंकू सिंह और नरेश यादव, ये सब लोग शामिल थे। अच्छा काम उन्होंने कल किया, दोनों मूर्तियाँ बरामद की। इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, करीबन जो बताया कि बहुत अमूल्य है और 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकी कीमत है और इनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है और ये मिडिवल टाइम की है, ये जो 9th-10th सेंचुरी की कुछ हथियारों के टाइम की आसपास के अंदाज में बताया गया है। आरोपी कितने पकड़े हैं सर? आरोपी एक पकड़ा है और एक अभी फरार है, उसको भी पकड़ेंगे तो हो सकता है हमको इस गैंग से और भी मूर्तियाँ मिलें और ये पूरा लिंक पता लगे इस गैंग का, जिसके लिए अभी जो टीम ने अच्छा काम किया उसको 5,000 रुपये का इनाम। ये सूर में पकड़ा है, सूर करके थाना सचिव में। कितनी मूर्तियां? 2 मूर्तियां। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।